हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया। जैसा आप लोगों को पता है कि मैंने जो मेरी प्रीवियस क्लास थी, ठीक है, उस क्लास के अंदर मैंने प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया था और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हम डिस्कस करी थी। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया। पिछली जो क्लास थी हमारी, उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, इसकी दो क्रियाएं होती हैं, दो अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें पहली अभिक्रिया होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया और दूसरी होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है मित्रों, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसके दो पार्ट होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पार्ट होते हैं। इसमें एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ठीक है, इसमें अगर वो एक पूरा सर्कल बनाकर वापस उसी पिगमेंट सिस्टम में आ जाएंगे तो चक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया होगी, और अगर वो जेड टाइप का पाथ बनाएंगे तो वो नॉन साइक्लिक और अप्रकाशीय अचक्रीय प्रकाशीय अभिक्रिया होगी मित्र। तो आज हम लोग बात करेंगे दूसरे वाले पॉइंट की। हमने जब ये पढ़ा था, ये दो पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एक तो बनते हैं एटीपी, ओके, एक बनते हैं NADPH2, ये भी मैंने बताया था, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनते हैं इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर, ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट बनते हैं, ये प्रोडक्ट यूज आते हैं किसके अंदर, डार्क रिएक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो हम आज इसी डार्क रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की अवधारणा पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर, दो वर्णक तंत्र पढ़े थे हमने, एंटेना और पिगमेंट सिस्टम देखा था पूरा, 1 और 2 कैसा होता है इसके लिए आपको मेरी प्रीवियस क्लास को देखना पड़ेगा। फिर मैंने आपको प्रकाशीय पौष्पीकरण मतलब प्रकाशीय अभिक्रिया के दोनों पथ, चक्रीय भी कराया था और अचक्रीय भी कराया था, ठीक है ना। और अचक्रीय पथ के मैंने दो चित्र बनाए थे और ये चित्र मैंने लास्ट में बनाया था, जिसमें मैंने चक्रीय और अचक्रीय एक साथ समझाया है। तो इसको आप समझने के लिए आप मेरी पहले वाली क्लास को ज्वाइन करें, ठीक है, और उसको देखें और कमेंट्स भी करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख लें और उसके बाद सब्सक्राइब भी ना करें, ठीक है, सब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है, आजकल यूट्यूब पे एक गुरु दक्षिणा होती है। चलिए अब हम बात करते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया की, इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं मित्रों। ये जो डार्क रिएक्शन होती है, ये जितने भी यूकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर होती है। इसमें होता क्या है कि जो यूकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, वो जीव क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। दे मैन्युफैक्चरिंग कार्बोहाइड्रेट बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनके कारण। और कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का बनना क्या होगा, कार्बन स्थिरीकरण होगा, ठीक है ना, कार्बन फिक्सेशन होगा, ठीक है। और ये अभिक्रिया जब होगी तो इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमने प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय अभिक्रिया है, इसमें कुछ उत्पाद बनते हैं NADPH2 और ATP, ये जो होते हैं ये सारे के सारे इस डार्क रिएक्शन में प्रयुक्त होंगे, इसमें उपयोग आएंगे, ठीक है। कैसे आएंगे, इनको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। अब मित्रों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि जो डार्क रिएक्शन है, ठीक है, इस डार्क रिएक्शन का एक और नाम आता है और वो आता है केल्विन चक्र, ठीक है, केल्विन चक्र इसका नाम आता है। इसको हम C3 चक्र भी कहते हैं, C3 चक्र भी कहते हैं मित्रों, ठीक है। C3 चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो पहला स्थायी उत्पाद है, फर्स्ट स्टेबल जो कंपाउंड होगा, ठीक है ना, वो 3 कार्बन एसिड होगा, जिसको हम 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड,
या 3PGA के नाम से जानेंगे, ठीक है, इसलिए हम इसे C3 चक्र भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनके अंदर हम देखते हैं C3 चक्र के अंदर हम करते क्या है, इसमें एक इसको तीन भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला भाग होता है कार्बोक्सीलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अवशोषित होती है। दूसरा होता है ग्लाइकोलाइटिक व्युत्क्रम, जिसके अंदर क्या होता है कि रिडक्शन होता है। तीसरा होता है RUBP, मतलब राइबुलोज बाइफॉस्फेट का बनना, इसे रीजनरेशन। तो इसके दो पॉइंट होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं सॉरी, पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा होता है रीजनरेशन, पुनः प्राप्ति, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर होता क्या है, ये अभिक्रिया होती कैसे है। इसको समझने के लिए आपको एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, वो ये चीज बताता हूँ जिसको आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जब चक्र होता है C3 चक्र, तो इसमें एक एंजाइम, आपको पता है एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट होते हैं, पता है ना, तो एक एंजाइम होता है जो कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है, जिसको RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज एंजाइम कहते हैं, या इसको सिंपल फॉर्म में हम बोलते हैं रुबिस्को। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ना मित्रों, इसका मुख्य कार्य होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है, उसका फिक्सेशन करता है, उसको ग्रहण करता है। परंतु यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, ध्यान देना इस चीज को, परंतु यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो, मैं यहां लिख देता हूं CO2 की मात्रा कम हो, इसकी अगर मात्रा जो है कम हो जाती है, ठीक है, तब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करने लग जाएगा। किसका अवशोषण करने लग जाएगा, ऑक्सीजन का अवशोषण करने लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजिनेज भी है, कार्बोक्सिलेज भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले करेगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए तो उसकी जगह पर ये ऑक्सीजन का अवशोषण करने लग जाता है। मित्रों ये चीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस चीज को मैंने अगर यहाँ पे मैं स्टार बना देता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज आगे मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन में समझाऊंगा। किसमें समझाऊंगा, फोटो रेस्पिरेशन में समझाऊंगा, ओके। अगला पॉइंट इसमें हमारे पास ये आता है कि जब हम C3 चक्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, C3 चक्र या केल्विन चक्र पढ़ते हैं, तो ये हमारे दिमाग में ये आता है कि ये होता किसके अंदर है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि C3 चक्र उन पौधों में होता है जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मतलब जो सामान्य एनवायरनमेंट में, जा ज्यादा गर्मी ना हो, ज्यादा ठंड ना हो, ठीक है, वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे जौ, चावल, जई, गेहूं, मूंगफली, चुकंदर, कपास, तंबाकू, सोयाबीन, ये जहां पे भी ये वाली फसलें होती हैं वहां पे C3 चक्र पाया जाता है, ओके, क्लियर है। तो मतलब मॉडरेट जगह पर, न ज्यादा गर्मी हो न ज्यादा सर्दी हो, ठीक है, वहां पर ये होता है, ठीक है। अब इसमें आपको ये देखना है क्या है, जैसे ये जो थ्योरी दे रखी है, इस थ्योरी को मैं आपको चक्र में ही समझा दूंगा, वहां आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ओके। तो मैं वहां आपको इसके बारे में डिटेल से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चक्र समझाने के बाद में जब मैं यहाँ आऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ओके ना। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं इसके चक्र पर, C3 चक्र कहता क्या है मित्रों, ये देखिए, ये C3 चक्र का एक रूपांतरण है, पूरा अच्छी तरह से रूपांतरण तो नहीं बोल सकते अपन, इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूं, हम लोगों ने पढ़ा है कि 5 कार्बन जो शर्करा होती है, ध्यान देना इस चीज को, 5 कार्बन शर्करा जो होती है उसको हम कौन सी शर्करा कहते हैं, राइबोज शर्करा कहते हैं या राइबुलोज शर्करा कहते हैं। तो ये 5 कार्बन शर्करा है आपकी राइबुलोज शर्करा, ओके।
इस पांच कार्बन शर्करा के पांचवे कार्बन पर, कौन से कार्बन पर, पांचवे कार्बन पर अगर एक फॉस्फेट जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, एक फॉस्फेट जुड़ जाए तो इसको राइबुलोज मोनोफॉस्फेट या राइबुलोज फाइव फॉस्फेट कहते हैं। इसका नॉर्मल नाम हम लिख देते हैं RUMP, राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। ओके, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ, रूपांतरित कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ वो आप देखिएगा कि ये जो पांच कार्बन वाला शर्करा है इसके छह अणु क्यों लिए, क्योंकि ये चक्र छह बार होता है, तो अपन छह चक्र तो नहीं बना सकते, तो इस चक्र को मैंने छह से गुना कर दिया। ठीक है, तो RUMP राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के छह अणु। ठीक है, सर्वप्रथम क्या करेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदलेंगे। आपको पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तीन फॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में दो फॉस्फेट होते हैं, है ना, मतलब इसमें से एक फॉस्फेट बाहर निकलता है। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा कि इनके छह छह अणु ले लूंगा, कितने अणु ले लूंगा, छह छह अणु ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन ने इसके छह ले लिए। ठीक है, क्लियर, इसको याद रखिएगा, क्यों ये थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि कुछ चीजें काफी बार कंफ्यूजन रहती है, जब बच्चा चक्र कर लेता है फिर सोचता है ATP कैसे आए, कहाँ गए, उसकी नंबरिंग यहाँ पे बराबर हो जाएगी आपकी। तो छह ATP छह ADP में बदलेंगे तो इसमें से कितने फॉस्फेट बाहर निकले, छह, और वो छह ही फॉस्फेट अगर यहाँ आकर राइबुलोज मोनोफॉस्फेट के साथ जुड़ जाए, ये देखो राइबुलोज मोनोफॉस्फेट है, छह अणु है इसके, इसके हर एक अणु में एक एक फॉस्फेट और जुड़ जाए तो छह अणु हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो एक एक फॉस्फेट कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, एक तो पांच पे जुड़ा हुआ ही था, दूसरा वाला पहली पोजीशन पे जुड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे RUBP, क्या बोलेंगे, RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज डाइफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है ना, कुछ भी ये तीनों में से एक भी नाम अपन इसका ले लेंगे। तो RUMP RUBP में क्यों बदला कि इनके अंदर एक एक फॉस्फेट जुड़ा, एक एक फॉस्फेट कहाँ से आया, ATP के ADP में बदलने से, समझ गए आप। अब क्या होता है कि ये जो RUBP बना राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ये भी पांच कार्बन का अणु है, ठीक है ना, कितने कार्बन है इसमें, पांच कार्बन है, ठीक है ना, कार्बन उतने ही है, टोटल कार्बन कितने हो गए, 5, 6, 30, यहाँ पे 5, 6, 30 30 कार्बन है। अब क्या होता है कि इसके अंदर छह अणु कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ते हैं, कितने, छह अणु कार्बन डाइऑक्साइड के जुड़ते हैं, तो देखो यहाँ पे 30 कार्बन थे, छह कार्बन और जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए, 36 ना, 36 हुए भाई, 30 पहले थे और छह और जुड़ गए तो कितने हो गए, 36 हो गए, कितने हो गए, 36 हो गए। अब ये 36 जो कार्बन हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और RUBP के मिलने से हुए, तो इनके मिलने से एक एंजाइम होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, वो था रूबिस्को, बताया था, ये रूबिस्को जो है इस CO2 को ग्रहण करने में मदद करेगा, बताया था मैंने, और इसको ग्रहण करने में जब ये मदद करता है तो इसको हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन, इसको हम बोल देंगे कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन होने के बाद में क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन 36 हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैं छह अणु थे ना, सब मैं डबल कर रहा हूँ, मैं तीन से छह कर रहा हूँ,
तो यहाँ 6 से मैं 12 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 6 से 12 कर देता हूँ, ओके। अब 12 अणु 3 कार्बन एसिड PGA में बदल जाएंगे, इसका फुल फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होगा ये, इसमें बदल जाएंगे, एक मिनट है ना, जब ये इसमें बदल जाते हैं ना मित्रों, तो इसमें होगा क्या, इसमें बदलेंगे तो होगा क्या कि 12 अणु है और 3 कार्बन है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 36 हो गए ना, 36 हो गए, तो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एसिड के बनेंगे। ये जो 3 कार्बन एसिड है ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए हम इसको C3 साइकिल कहते हैं, क्या कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं। इसके बाद में वापस 12 ATP, क्योंकि यहाँ 12 मॉलिक्यूल है तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ATP, 12 ADP में बदलेंगे, तो 12 ATP 12 ADP में बदले तो कितने फॉस्फेट निकले, 12, और ये सारे के सारे फॉस्फेट इस PGA के साथ जुड़ जाएंगे। अब PGA में आप देखो 3 नंबर पर एक फॉस्फो जुड़ा हुआ है, नाम पी का मतलब क्या है, फॉस्फो, तो 3 फॉस्फो ग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड PGA, ओके। इसके अंदर अगर एक एक फॉस्फेट और जुड़ जाए इन 12 मॉलिक्यूल्स के अंदर, 12 मॉलिक्यूल में अगर एक एक फॉस्फेट और जुड़ जाए, कौन सी पोजीशन पर, थर्ड को, फर्स्ट पोजीशन पे, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे तो पहले था ही फॉस्फेट, अब एक फर्स्ट पोजीशन पे और फॉस्फेट जुड़ गया तो 2 फॉस्फेट हो गए, 2 फॉस्फेट होते ही वर्ड क्या आ गया, बाई, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 3 बाई PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना, इसमें 2 फॉस्फेट जुड़ गए, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब यहाँ पर 2 जगह पे फॉस्फेट जुड़े, एक तो यहाँ पर जुड़ा, एक यहाँ पे जुड़ा, ठीक है, तो टोटल ATP कितने ADP में बदले, 6 यहाँ पे बदले और 12 यहाँ पे बदले, तो टोटल 18, तो हम क्या बोल सकते हैं, 18 ATP 18 ADP में बदले, बदले ना। इसके बाद में क्या होगा कि ये जो 1-3 PGA है, ठीक है ना, इस 1-3 PGA के आपको पता है कि टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 12, ये देखो आप 12 मॉलिक्यूल, मैं इसको एक सिंपल वे में और बनाऊंगा ताकि एक बार आपको नामों में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको पहले इस डायग्राम में समझा रहा हूँ, फिर एक डायग्राम बनाऊंगा जो एकदम सरल डायग्राम होगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। तो 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे 1-3 PGA के, ओके। अब ये जो PGA बना है, एसिड बना है मित्रों, ये एसिड क्या करेगा कि NADPH2 को, यहाँ पे जैसे 12 मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी अपन 6 की जगह 12 कर दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 12 मॉलिक्यूल्स को, 12 NADPH2 को 12 NADP में बदलेगा, तो NADPH2 अगर NADP में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, क्या बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। अब ये हाइड्रोजन सारे के सारे इस PGA से जुड़ जाएंगे, मतलब हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएंगे, एसिड से जुड़ जाएंगे, तो इस PGA से जब हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो ये बन जाता है एल्डिहाइड, क्या बन जाता है, ये बन जाता है ग्लिसरल्डिहाइड, क्या बन जाता है, तो ये बन जाएंगे 12 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL, एल्डिहाइड में बदल जाएंगे, ओके, क्लियर है। अब ये जो एल्डिहाइड के जो 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, कितने, 2 मॉलिक्यूल्स, ये 2 मॉलिक्यूल्स आगे जाकर
कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। क्या बना देंगे? कार्बो, यहां लिख देता हूं मैं, ग्लूकोज बना देंगे। क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे। इसको अपन हटा देते हैं। क्या बना देंगे? ग्लूकोज बना देंगे। यहां तक क्लियर हो गया एकदम? अब हम बात कर रहे हैं कि ये अगर 12 में से दो मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो पीछे कितने मॉलिक्यूल रह गए? 10। कितने रह गए? 10, क्योंकि 12 इंटू 3 36 है। दो बाहर निकल गए तो पीछे रहे 10, 10 इंटू 30 30 हो गए, तो ये कितने हो जाएंगे? 30 मॉलिक्यूल्स, मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन PgAl। क्लियर है? ओके, अब 10 मॉलिक्यूल ले गए, दो मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गए, उन्होंने ग्लूकोज बना दिया। अब ये जो 10 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एल्डिहाइड के रहे हैं, ये क्या करेंगे? पुनः जनन करेंगे। पुनः जनन मतलब रीजनरेशन करेंगे। तीसरा पॉइंट रीजनरेशन का, ठीक है, रीजनरेशन करेंगे। और रीजनरेशन करके ये वापस किसमें? 5 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स RuMP में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? RuMP में बदल जाएंगे। तो इसमें क्या क्या हुआ? पहला तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हुआ, दूसरा यहाँ पे रिडक्शन हुआ, क्या हुआ? रिडक्शन हुआ, और तीसरा यहाँ पर पुनर्जनन हुआ। ठीक है, तो टोटल इसमें 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और पुनर्जनन। ठीक है, अब इस चीज को मैं नॉर्मल वे में एक तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मैंने आपके लिए ब्लैंक पेपर भी छोड़ा है ताकि ये चीज क्लियर हो जाए। अब ये देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि देखो 5 कार्बन शुगर होती है RuMP। कितने कार्बन होती है? 5 कार्बन। राइबो शुगर तो 5 कार्बन ही होती है, इसके अगर हम 6 मॉलिक्यूल्स करें, ठीक है, ये RuMP बदल जाती है RuBP में। RuBP में अगर ये बदलती है, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे, बस उसमें फॉस्फेट बढ़ जाएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन तो वही रहेंगे 6 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन RuBP। ये जो कन्वर्जन हुआ है मित्रों, ये कन्वर्जन हुआ है इसकी वजह से, 6 ATP ADP में बदल गए। तो जो 6 फॉस्फेट निकले थे वो जुड़ गए और ये बाई फॉस्फेट हो गया। ठीक है ना, अगला पॉइंट इसमें ये बनता है कि ये RuBP क्या करेगा, कि ये बदल जाएगा किसमें? 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन एसिड PgA में। इसको अपन 3PgA भी बोल सकते हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कार्बन 6 5 30 है और यह कार्बन 12 3 36 है, तो इसके लिए क्या रीजन था वो भी हम देखेंगे। इसका रीजन यह था कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन हुआ, कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल, तो 30 और 6 36 हो गए। ठीक है, और ये काम कौन करेगा? रूबिस्को एंजाइम। कौन करेगा? रूबिस्को एंजाइम, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीडेज भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर प्रॉपर है तो रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा। ठीक है, तो ये बना दिया। इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में ये होगा कि ये 12 मॉलिक्यूल जो PgA के हैं, ये क्या करेंगे? 12 ATP को
12 एटीपी में बदल देंगे, मतलब 12 फॉस्फेट और इसमें जुड़ जाएंगे, तो इनका ये वाला नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होंगे क्योंकि फॉस्फेट जुड़ रहे मित्रों, तो बस ये नेम चेंज हो जाएगा 1,3 बाई BGA या BGA लिखो, 1,3,2 है तो 1,3 दोनों पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये होगा कि ये जो कन्वर्जन हुआ है, इस कन्वर्जन के बाद में यहाँ पर NADPH2 जो बने थे, क्या बने थे, NADPH2 जो बने थे लाइट रिएक्शन के अंदर, प्रकाशीय अभिक्रिया के अंदर, 12 मॉलिक्यूल है तो 12 NADPH2 NADP में कन्वर्ट होंगे, ठीक है, दैट इज रिडक्शन ना। तो ये सारे NADPH2 जब NADP में कन्वर्ट होंगे तो ये हाइड्रोजन जो इनमें से निकलेंगे, ये वाले जो है ना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस एसिड के साथ जुड़ जाएंगे, और जब ये हाइड्रोजन एसिड के साथ जुड़ जा रहे हैं मित्रों, तो क्या होगा कि इनका नामकरण बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, इनका नामकरण बदल जाएगा, क्या हो जाएगा नामकरण, इनका नामकरण हो जाएगा द 12 मॉलिक्यूल ऑफ 12, इसको थोड़ा सा रख करके करते हैं सही, इसका नामकरण क्या हो जाएगा, द 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन PGAL, एल्डिहाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा मित्रों। एल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन PGAL, ओके, ये PGAL के जो 2 मॉलिक्यूल है या स्मॉल लेटर में ये आएगा, ठीक है ना, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे, तो पीछे कितने रह गए मॉलिक्यूल, पीछे कितने मॉलिक्यूल्स रह गए, 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन PGAL, ठीक है ना, यही रहे, और ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन PGAL, ठीक है ना, ये वापस रीजनरेशन करेंगे, क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, कार्बन कितने हो गए, 10 3 30 और 6 5 30, तो ये क्या करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, और ये रीजनरेशन करेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीजनरेशन, रीजनरेशन, और रीजनरेशन के थ्रू दे आर कन्वर्ट इनटू दी अगेन R1, इसलिए हम इसको C3 साइकिल बोलते हैं, बिकॉज कि इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन एसिड है, ठीक है। दूसरा हम इसमें ये देखते हैं कि यहाँ पे देखो 6 ATP और 12 ATP, मतलब टोटल 18 ATP कंज्यूम हुए, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर 12 NADPH2 12 NADPH2 या कहीं पे 2H लिखा होता है, एक ही बात है, कोई टेंशन करने वाली बात नहीं, ठीक है, ये यहाँ पे कंज्यूम हुए। दूसरा CO2 यहाँ एब्जॉर्ब हुआ इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम्स, क्लियर है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, तो दैट इज द C3 साइकिल। अब मैं आपको वापस उसी पॉइंट पे ले जाता हूँ, उसी टेबल पे ले जाता हूँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देखो आप इस चीज को, आप देखेंगे ये क्या है, इसको आप देखोगे तो क्या है ये, ठीक है, इसको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया कि केल्विन चक्र में एक समय में एक कार्बन काम आता है, हमने 6 कार्बन लिए, 6 चक्र किए तो उनको 6 से गुणा कर दिया, ठीक है, और इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ग्लूकोज बनता है, ठीक है,
दूसरा मैंने आपको बताया कि इसमें 18 एटीपी काम आते हैं, अभी बताया था, और 12 एनएडीपीएच2 का उपयोग होता है, 12 एनएडीपीएच2 का उपयोग होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है वहां होता है जहां CO2 का रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, ठीक है, और ये C3 पौधों में होता है, और ये सारे C3 पौधे हैं, मतलब ये उन जगहों पर पाए जाने वाले पौधे हैं जहां पर जो तापमान है, ठीक है ना, ध्यान रखना तापमान जो है वो सामान्य है, मॉडरेट है, ना ज्यादा है और ना कम है, वहीं पर ये C3 चक्र प्रॉपर वे में होगा। अगर तापमान ज्यादा हो जाए मित्रों, अगर तापमान ज्यादा हो जाए, प्रकाश ज्यादा हो जाए, तो वहां पर प्रकाश श्वसन प्रारंभ हो जाएगा। क्या श्वसन प्रारंभ हो जाएगा? प्रकाश श्वसन प्रारंभ हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि C3 चक्र पूर्ण रूप से अपना उत्पाद नहीं दे पाएगा। तो मैं प्रकाश श्वसन में उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ तक चीज समझ में आ गई। ओके डन, चलिए अगले पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट आता है हैचसेलेक चक्र, इसे C4 चक्र, ठीक है, मैं स्लाइड को बराबर ले लेता हूँ। ये मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, हैचसेलेक चक्र जो है इसको हम C4 चक्र क्यों कहते हैं। C4 चक्र मित्र इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसका प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन एसिड होता है। वहां पे 3 कार्बन एसिड था, यहाँ पे जो पहला स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन के स्थान पर 4 कार्बन ऑक्सेलो एसिटिक एसिड होगा, ठीक है, MDH, और CR सेलेक ने इसको प्रस्तुत किया था, इसलिए हम इसको हैचसेलेक साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये साइकिल जनरली उन जगहों पर होती है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब तापमान ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर वाले जो एरियाज हैं वहां पर ये होगा, ठीक है ना। और ये जनरली हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, मरुद्भिद पौधों के अंदर, डेजर्ट एरियाज के अंदर ज्यादातर ये होता है, ठीक है। इनमें जो पौधे काम आते हैं, जो इनमें C4 चक्र होता है, वो गन्ने के होते हैं, मक्का है, सोरगम है, साइप्रस रोटेंडस है, ठीक है, ये सारे सारे पौधे C4 चक्र करते हैं मित्रों, ठीक है। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो C4 चक्र है ये इसलिए हो पाता है कि इन पौधों के अंदर क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। क्रेंज एनाटॉमी क्या मतलब होता है, क्रेंज एनाटॉमी का, तो मैं आपको बता दूं कि क्रेंज एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि इनकी जो पत्तियां होती है ना C4 पौधों की, इनके अंदर जो वेस्क्यूलर बंडल होते हैं, वेस्क्यूलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, ठीक है ना, उनके चारों तरफ अत्यधिक क्लोरोफिल से घिरा हुआ एक आवरण होता है जिसे हम बंडल शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बंडल के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको हम बंडल शीथ कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्लोरोफिल जो है वो मेसोफिल्स में पाए जाते हैं। तो दो कोशिकाएं इसमें काम आती हैं, एक तो मेसोफिल कोशिकाएं जो सामान्यतः सब में आती हैं, और एक बंडल शीथ कोशिकाएं, ठीक है, ये दो कोशिकाएं मिलकर क्रेंज एनाटॉमी बनाती है। और ये दोनों कोशिकाएं आपस में एक छिद्र द्वारा जुड़ी होती है जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। हमने कोशिका में पढ़ा हुआ है कि दो कोशिकाओं को जोड़ने वाले छिद्रों को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इसमें दो कोशिकाएं आएंगी, मेसोफिल और बंडल शीथ कोशिकाएं, ठीक है, और इसको हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं। और इसका पहला स्थायी उत्पाद 4 कार्बन अम्ल है। अब ये देखो आप, ये चक्र है क्या, इस चक्र में क्या होता है कि जब एटमॉस्फेरिक CO2 आती है, ठीक है, वातावरण से CO2 आती है, तो वो सबसे पहले मेसोफिल कोशिकाओं में आती है। इसमें आती है मेसोफिल कोशिकाओं में आती है।
मेसोफिल कोशिकाओं में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम पीईपी कहते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड मित्रों, ठीक है, पीईपी। ये पीईपी क्या करेगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, इसको ग्रहण करके, ठीक है ना, ये सबसे पहले एक चार कार्बन का अम्ल बनाएगा, क्योंकि ये तीन कार्बन का अम्ल है, ठीक है, ये एक कार्बन और को अवशोषित करके चार कार्बन का अम्ल बनाएगा जिसको हम बोलते हैं ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, ओ ए ए। और ये चार कार्बन का एसिड पहला स्थायी उत्पाद है, इसलिए हम इसको C4 चक्र कहते हैं। इसके बाद ऑक्सेलो एसिटिक एसिड NADPH2 को NADP में बदलेगा, जिससे ये ऑक्सेलो एसिड बदल जाएगा मैलिक अम्ल में। किस में बदल जाएगा? मैलिक अम्ल में। ये तो प्रथम स्थायी उत्पाद हो गया चार कार्बन। अब इसके बाद में ऑक्सेलो एसिटिक एसिड हाइड्रोजन को यहाँ से लेगा और मैलिक अम्ल में बदल जाएगा। और जब मैलिक अम्ल में बदलेगा तो मैलिक अम्ल के साथ ही ये प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीत कोशिकाओं में चला जाएगा, ठीक है, मैलिक एसिड के रूप में ही वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ जाएगा तो आपको पता है कि ये इसने किया क्या है, CO2 लेकर इसने अपने चार कार्बन बनाए हैं। अब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाकर वो अपने चार में से एक कार्बन को वापस बाहर निकाल देगा, CO2 को वापस बाहर निकाल देगा, निकाल दिया ना, तो वापस ये क्या हो जाएगा, तीन कार्बन हो जाएगा, ठीक है, एक कार्बन यहाँ निकाल दिया। अब तीन कार्बन जो है ये पाइरुविक अम्ल है, ध्यान देना पहले इस चीज को, ठीक है। अब मित्रों जो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है, एक कार्बन निकाला है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे जाकर C3 चक्र चलाएगी। कौन सा चक्र चलाएगी? C3, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है बच्चों के दिमाग में कि सर ये CO2 को ऐसे लाने की कहां जरूरत पड़ गई, सीधा ही ले लेते भाई। क्वेश्चन यही बनेगा कि आपने इतनी माथापोड़ी क्यों करी कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड लाया, पाइरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में जोड़ा, ऑक्सेलो एसिटिक अम्ल बनाया, मैलिक अम्ल बनाया, फिर यहाँ आकर इस CO2 को वापस निकाल दिया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, सीधा ही कर लेते, तो ऐसा क्यों किया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसका माल चीज में आपको बता दूं कि C3 चक्र होता है ना मित्रों, ये सब में होता है, सारे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाते हैं, ये हम लोगों को पता है, ठीक है, पर इसमें ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। पहले इस चक्र को पूरा कर देता हूँ फिर इसको समझाता हूँ। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ निकलेगा जो C3 चक्र में प्रयुक्त हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गए, तीन कार्बन पाइरुविक अम्ल। ये पाइरुविक अम्ल प्लाज्मोडेस्माटा से वापस ट्रांसफर हो जाएगा किसके अंदर, मेसोफिल के अंदर, ठीक है। और मेसोफिल में आने के बाद ये पाइरुविक अम्ल पुनः क्या करेगा, ATP को AMP में बदलेगा, मतलब ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को ये किस में बदल रहा है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल रहा है। तो कितने फॉस्फेट बाहर निकल रहे हैं, दो फॉस्फेट बाहर निकल रहे हैं ना इसमें से, कितने फॉस्फेट बाहर निकल रहे हैं, दो फॉस्फेट। अब ये दो फॉस्फेट जो बाहर निकल रहे हैं ये बाहर निकलकर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट का निर्माण कर देंगे, क्योंकि जब दो फॉस्फेट बाहर निकलेंगे तो उच्च ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि इस क्रिया को पूर्ण होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। तो अब कहने का मतलब कि इसमें कितने ATP काम आ रहे हैं, कितने फॉस्फेट बन रहे हैं, 12, कितने बन रहे हैं, 12, यही हो रहे हैं, क्योंकि एक चक्र के अंदर दो हो रहे हैं, तो अगर ऐसे 6 चक्र कर लो तो 12 फॉस्फेट निकलेंगे,
ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल है। चलिए अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वाली प्रक्रिया कि CO2 को यहां से लेकर मेसोफिल से लेकर बंडल सीट तक ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि देखो वो जो एरियाज होते हैं जहां पर टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, ज्यादा होता है, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उन एरियाज में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वहां एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से हमारे जो रुबिस्को एंजाइम भाई साहब हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे, ऑक्सीजनेज भी तो है ये, जिसके कारण क्या होगा कि उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी, क्या जाएगी, प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाएगी, जिसको हम प्रकाश श्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश श्वसन कहते हैं। इसलिए क्या होगा कि जो मरुद्भित क्षेत्र है, क्योंकि मैंने आपको बताया सी फोर प्लांट उन जगहों पर होता है जहां तापमान अधिक होता है, मैंने क्या बताया था आपको, ये वहां होता है जहां तापमान अधिक होता है, हाई टेम्परेचर लिखा है ना, तो वहां पर ये होता है, तो जहां पे हाई टेम्परेचर होगा तो वहां पर ऑटोमेटिक CO2 एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या होने लग जाएगा, प्रकाश शोषण होने लग जाएगा। उस प्रकाश शोषण को रोकने के लिए इनके अंदर ये क्रेन्स एनाटॉमी पाई जाती है, ताकि कि CO2 ही अवशोषित हो, ऑक्सीजन ना हो, तो ये CO2 यहाँ पे इसको मिले, इसके लिए फॉस्फोइनोइल पाइरुविक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर यहाँ आएगा, क्योंकि ये जो PEP है फॉस्फोइनोइल पाइरुविक एसिड, ये ऑक्सीजन अवशोषित नहीं करता, ये CO2 अवशोषित करता है, इनको अवशोषित करके यहाँ से यहाँ पे लेके आएगा, समझ गए। अब क्वेश्चन ये बनता है मित्रों कि ये फोटो रेस्पिरेशन क्या है, प्रकाश श्वसन क्या है, तो हम अब उसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो पहले तो मैं आपको कुछ इनकी विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ कि जो C4 पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनमें क्रेन्स एनाटॉमी होती है, उनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, प्रकाश श्वसन नहीं होता, क्यों कि वो PEP CO2 का अवशोषण करता है, सीधा नहीं करता, ठीक है। दूसरा, ग्लूकोज के एक अणु से 30 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया, जो 6 चक्र होते हैं, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, यहाँ बताई थी कि यहाँ देखो 18 ATP और 12 NADPH2, ये बताया था। यहाँ पर हम आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर आपको मैंने एक बताया कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान देना इस चीज को थोड़ा सा, ये दो फॉस्फेट निकालता है, तो एक चक्र में दो निकालेगा तो 6 चक्र में 12, तो 12 ATP के बराबर एनर्जी यहाँ और चाहिएगी, 12 ATP के बराबर एनर्जी और चाहिएगी मित्रों, तो यहाँ देखो आप 18 प्लस 12 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, तो 30 ATP की आवश्यकता वहां पड़ेगी और 12 NADPH2 है ही है, तो यही होता है कि इसमें 30 ATP प्लस 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है मित्रों, ठीक है। दूसरा, C4 के अंदर CO2 का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, क्योंकि जो फॉस्फोइनोइल पाइरुविक अम्ल है ये CO2 को ही अवशोषित करता है, O2 को करता नहीं है, ठीक है,
इसमें प्रकाशीय श्वसन कम होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा सी फोर पौधे जो होते हैं ये उच्च ताप पर अनुकूलित होते हैं, उच्च ताप पर रहने में इनमें अनुकूलता पाई जाती है, ठीक है ना। दूसरा, सी फोर पौधों में सी थ्री की अपेक्षा अधिक एटीपी, 12 एटीपी अधिक चाहिए, ठीक है ना, एक ग्लूकोज के पूरे चक्र के लिए, ठीक है। और दूसरा, पीपी सीओ टू का एक ग्राही है, ठीक है। पीपी जो है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम की मदद से इसको ग्रहण करता है जिसको पेप्को एंजाइम कहते हैं, मतलब फॉस्फोइनोल पाइरूविक कार्बोक्सिलेज। जहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगी वहाँ कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ जाएंगे, जहाँ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी वहाँ ऑक्सीजनेज एंजाइम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इनका मेन कार्य होता है। और अब हम आते हैं फोटोरेस्पिरेशन के ऊपर, प्रकाशीय श्वसन के ऊपर। ये देखो, प्रकाशीय श्वसन मैंने आपको बताया था कि उन जगहों पर होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर है, तापमान जो है वो हाई हो, ओके, जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी जो है वो हाई हो और कार्बन डाइऑक्साइड लो हो, कार्बन डाइऑक्साइड लो हो, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा कि प्रकाशीय श्वसन होने लग जाएगा, ठीक है। वहां पे पौधे क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर ऑक्सीजन को अवशोषित करने लग जाएंगे। कब होगा ये मैं बताता हूँ मित्रों। ये देखो, अभी जैसे मैंने आपको एक ये वाली चीज बताई थी, सी3 चक्र, ये वाला, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ग्रुबिस्को एंजाइम है, ये वाला कौन सा एंजाइम है, ग्रुबिस्को, ये CO2 को अवशोषित करता है। पर अगर CO2 की मात्रा अगर कम है तो ये रूबिस्को ऑक्सीजन को अवशोषित करने लग जाएगा, ऑक्सीजनेज का काम करने लग जाएगा। तो अभी जैसे सपोज 100% CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और अगर CO2 की मात्रा कम हो तो ये CO2 को 70% करेगा और 30% वो ऑक्सीजन को अवशोषित करने लग जाएगा। तो प्रोडक्टिविटी 70% रह गई ना, प्रोडक्टिविटी कितनी रह गई, 70%, तो नुकसान करेगा वो, ठीक है। तो वही फोटो रेस्पिरेशन होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मित्रों कम हो जाती है, ठीक है, जब पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होने लगता है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, श्वसन करेगा, तो वो CO2 विमुक्त करेगा, और अब श्वसन करेगा तो श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी काम आएगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, क्लोरोफिल में, तो इसमें क्लोरोफिल भी काम आएगा, ठीक है, और इनके बीच में परोक्सीसोम भी काम आएगा। तो जब प्रकाश श्वसन होता है, ठीक है, तो उस समय क्लोरोप्लास्ट, परोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों भाग लेते हैं। और ये क्या करते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करने लगता है, तब वो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और वो ग्लाइकोलेट बना देते हैं। वहां पे क्या बन रहा था, PGA बन रहा था, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बन रहा था, उसकी जगह पर ये ग्लाइकोलेट बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलेट का निर्माण करने लग जाते हैं। और ग्लाइकोलेट का निर्माण करने लग जाते हैं तो ग्लाइकोलेट बनाने के लिए मित्रों ध्यान रखना, ग्लाइकोलेट बनाने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ग्लाइकोलेट ऑक्सीजन से बन गया और 30% ऑक्सीजन ग्लाइकोलेट बना देगा जो दो कार्बन का होगा, कितने कार्बन का होगा, दो कार्बन का होगा, तो इसको हम C2 साइकिल भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, C2 साइकिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाशीय श्वसन होगा कि जिसमें ऑक्सीजन अवशोषित होता है, कब, ये देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो RUBP है, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा और मदद कौन करेगा, रूबिस्को,
और ये क्या बना देगा, ग्लाइकोलेट बना देगा। तो ये 30% चेंजेस हो जाएगा, और 70% तो वो ऑब्वियसली पीजीए ही बना रहा है, पर 30% ये बना देगा, जिसके कारण क्या होगा कि पौधों को भोजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर भोजन नहीं मिलेगा, और उसके उत्पादन की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रकाशीय शोषण को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए मतलब ऑक्सीजन का अवशोषण ना करे पौधे, इसलिए C4 चक्र अपने अंदर क्रेंज एनाटोमी बना लेते हैं, ताकि क्योंकि वहां पे तो तापमान ज्यादा होगा, लाइट भी ज्यादा होगी, लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, तो वहां CO2 लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, तो इसलिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है, पर उससे उसकी उत्पादकता में कोई कमी ना आए, इसलिए उसमें प्रकाश शोषण ना हो, इसलिए C4 प्लांट क्रेंज एनाटोमी प्रदर्शित करते हैं। समझ गए आप? तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्रकाशीय शोषण के कुछ महत्व हैं, वो एक बार मैं आपको बता दूंगा। पहले ये बता देता हूँ, ये देखो आप, ये देखो ये C3 चक्र है। C3 चक्र में ये जो रूबिस्को है ये क्या करता है, RUBP में CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या बना रहा है, PGA बना रहा है, क्या बना रहा है, PGA बना रहा है और वापस ही बन रहा है, ये तो C3 चक्र हो गया। परंतु अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तो अगर ऑक्सीजन CO2 की मात्रा कम हो तो ये ऑक्सीजन अवशोषित कर लेगा, सॉरी कौन, रूबिस्को ही, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेज भी है और ऑक्सीडेज भी है, तो इसको करके ये क्या बना लेगा, ग्लाइकोलेट बना लेगा, ग्लाइकोलेट बना लेगा, तो ये C2 हो जाएगा चक्र, ठीक है, जिसमें ग्लाइसिन सेरिन ग्लिसरेट ऐसे होते हुए वापस ये RUBP में आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ओके, ये डायग्राम एक बना लीजिएगा आप लोग, और ये है प्रकाशीय श्वसन के महत्व। महत्व तो क्या है, ये प्रॉब्लम ही करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक तो ATP और NADPH2 बनता नहीं है, ऊर्जा बनती नहीं है, भोजन इतना बनता नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद करता है, बनाता है, श्वसन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिसको ये वातावरण में छोड़ देगा। दूसरा कि जब क्या होता है कि ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ जाती है, तो रूबिस्को क्या करेगा, उसका अवशोषण कर लेगा, ठीक है, और उस समय अवशोषण करने के लिए जो एंजाइम काम आएगा वो रूबिस्को कार्बोक्सीजनेज एंजाइम काम आएगा, ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्या हो जाती है, और ये वाला जो प्रकाशीय श्वसन है मित्रों, सामान्यतया शीतोष्ण पौधों में पाया जाता है, मतलब ठंडे वाले पौधों में पाया जाता है, ठीक है, और कुछ प्रकाशीय श्वसन करने वाले पौधे जो है वो चावल सेब गेहूं जौ है। अब शीतोष्ण पौधों में कब पाया जाएगा, क्या आपको पता है, जैसे कि सर्दी के अंदर जो फसल होती है, ठीक है, तो उस समय तापमान ज्यादा नहीं होता, तापमान ज्यादा नहीं होता, लाइट इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती, तो उस समय तो नॉर्मल चलता है, पर जैसे ही तापमान वहां बढ़ने लगे, गर्मी की सीजन आ जाए, वहां पे प्रकाशीय श्वसन प्रारंभ हो जाएगा, क्या प्रारंभ हो जाएगा, प्रकाशीय श्वसन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए क्या जरूरी है, हाई टेम्परेचर, और वो कब होगा, इन शीतोष्ण प्रदेशों के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगे, प्रकाश तीव्रता बढ़ने लगे और CO2 की सांद्रता कम हो जाए, ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा, और आप और कोई टॉपिक करना है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ये टॉपिक करा दूंगा, ठीक है, और आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़िए, उनको भी बोलिए कि भई आप व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर के चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको बायोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स कराने वाला हूँ, ठीक है, नमस्कार।